नमस्कार, मैं परमान राजवाड़े हूं और आप देख रहे हैं फ्रीडम भारत। आज हमारे सरगुजा संभाग के जनपद पंचायत लखनपुर शहर के कह सकते हैं ऐसा बेटी जो कि सीए में टॉप की है और आज 11 बजे सुबह रिजल्ट डिक्लेयर हुआ और टॉप की, तो टॉप करने के बाद निश्चित तौर से परिवार में, परिजन में और पूरा शहर में बहुत खुशी है। तो मैं पहुंचा हूं यहां पर साक्षात लेने के लिए, इंटरव्यू लेने के लिए कि उनका क्या रणनीति रहा, उनका परवेज क्या रहा, तमाम जानकारी। तो हम सीधे जुड़ रहे हैं मुस्कान मित्तल जी से जो कि टॉप किए हैं। और मजे की बात है कि उनका जो तीन भाई बहन है, तीनों, एक पहले उनका बहन थे वो भी सीए में टॉप करके गुड़गांव जो दिल्ली में है वहां जॉब बेकायदे कर रही है, तो उसके बारे में भी जानकारी लेंगे। तो सीधा हम मुस्कान मित्तल जी से रूबरू हो रहे हैं। वेलकम, स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। ये बताइए, आप शुरू से बताइएगा कि अपना फर्स्ट क्लास या मम्मी पापा किस तरीके से, किस पढ़ाई कर, पढ़ाई लिखाई कैसे हुआ? मेरी पढ़ाई शुरू हुई थी लैलुंगा, एक गांव है रायगढ़ जिले में, वहां से। वहां मैं सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ती थी, पांचवीं तक वहां मेरी पढ़ाई हुई। फिर यहां मेरा आना हुआ लखनपुर में, यहां मेरे मामा लोग द्वारा मेरा परवरिश हुआ, उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया। अंबिकापुर के कार्मिल स्कूल में मेरी आगे की पढ़ाई हुई, छठवीं से लेकर बारहवीं तक की। फिर उसके बाद मैंने ग्यारहवीं बारहवीं में कॉमर्स चूज किया था, इसलिए मैंने सीए ज्वाइन किया जी। फिर ऐसे करके सीए की जर्नी शुरू हुई। तो सीए की जर्नी वैसे आसान नहीं रही, हर कदम पे मुझे फेलियर फेस करना पड़ा था। एक समय ऐसा भी आया था कि लगा था नहीं होगा, छोड़ देना चाहिए, पर घर वालों ने हिम्मत दी, मामा लोगों ने, मम्मी, मासी, मेरे भाई बहनों ने बोला कि एक बार ये और ट्राई करो, होगा। ऐसे करते करते फाइनली आज मेरा सीए कंप्लीट हो गया है और मैं यहाँ आपसे इस विषय में फिर बात कर पा रही हूँ कि मैं आज फाइनली सीए बन गई। इस दिन का इंतजार जितना मेरे को था उतना ही मेरी मम्मी, मासी, मामा, भाई बहन सभी को बहुत था, तो इसीलिए आज घर में भी बहुत खुशी का माहौल है। निश्चित तौर से बहुत बड़ा सफलता है। और जब आप सपना बुनते हैं, सपना जब देखते हैं और वो बहुत मेहनत के बाद मिलता है, तो जो मिलने के बाद जो खुशी होती है अपने आप में बहुत खुशी होता है। और ये भी बता रहे हैं कि इनका जो पापा थे छोटे में ही, मतलब छोटी थी उस समय ही गुजर गए थे, तो मम्मी जो अकेली थी और उनका मामा थे वो लखनपुर के, जो कि चार भाई बहन हैं, चार मतलब आठ कह सकते हैं। उनका मामा लोग अपने पिता के रोल में मतलब पूरा भूमिका के साथ और उनका परवरिश किए। और बता रहे हैं कि कॉन्वेंट स्कूल अंबिकापुर में छठवीं से लेकर बारहवीं तक पढ़ाई किए और इंग्लिश मीडियम में। बारहवीं के बाद वैसे आमतौर पर दसवीं बारहवीं में टॉप ठीक ठाक परसेंट थे और बारहवीं के बाद डिसीजन किए कि सीए में जा सकते हैं, इंटरेस्टिंग था इनका कहना है। आगे किस तरीके से आप निर्णय लिए और कैसे पढ़ाई हुआ कॉलेज के और क्या क्या आपको फेस करना पड़ा? मेरा जैसे बारहवीं कंप्लीट हुआ, मतलब पेपर देके खत्म हुआ, अगले दिन ही हम लोगों ने डिसाइड किया था कि मैं, मेरी सिस्टर ने, कि सीए करना है। तो एग्जाम खत्म होने के अगले ही डे हम लोग गए कोचिंग के लिए, तो फिर हम लोगों ने एडमिशन लिया सीपीटी, जो हम लोग के सीए का एक तरीके से बोल सकते हो एंट्रेंस होता है उसके लिए। फिर हम लोगों ने पेपर दिया, पेपर मतलब ये था कि अगर निकल गया सीपीटी तो सीए कंटिन्यू रखेंगे वरना कुछ और करेंगे। तो सौभाग्यवश थे हम लोग कि हमारा निकल गया सीपीटी, तो हम लोगों ने कंटिन्यू रखा। इसके साथ साथ हॉली क्रॉस वुमेन्स कॉलेज से प्राइवेट बीकॉम किया है, तो बीकॉम की डिग्री तो 2020 में आ गई थी, पर सीए की डिग्री अभी आई है। तो मैं बस इतना बोलूंगी कि मेहनत बहुत है, लेकिन ये है कि हार नहीं मानने से हो ही जाता है। समय समय पे लगता था कि अभी भी वक्त है, पीछे हट जाना चाहिए, लेकिन हौसला रखने से हो गया। तो जैसे कि इससे पहले मैंने नवंबर में भी अटेंड दिया था सीए फाइनल का, तो उस समय भी मुझे लगा था कि मैं पक्का पास हो जाऊंगी, लेकिन हो नहीं पाई। तो उस समय भी मैं हार मान गई थी कि नहीं होगा करके। फिर भी एक बार मैंने सोचा मई में दिया जाए, तो जब आज मेरा रिजल्ट आया तो मुझे ये लगा कि समय से पहले चाहे तुम जितनी भी मेहनत कर लो, कुछ भी कर लो, जब आपका नसीब लिखा है, जब आपका समय आएगा, तभी आपको वो सफलता प्राप्त होगी, लेकिन होगी जरूर। मेहनत कहीं नहीं जाती है। और जो ये सीए का पूरा जर्नी था, इसमें एक बात मैं सीख गई कि किसी भी चीज को हासिल करना है तो तीन चीज बहुत जरूरी है। पहला है परिश्रम, फिर त्याग और तीसरा है धैर्य। ये तीनों के बिना कुछ भी जीवन में संभव नहीं है।
बस मैं तो ही कहूंगी। ये क्या लगा 12वीं पास कर लिए तो आपका फैमिली में, या कैसे लगा कि सीए ही बनना है? इस क्षेत्र में और भी तो बहुत सारा स्कोप है ना, तो कहीं सपोर्ट मिला या किसी का मार्गदर्शन मिला, या कैसे आपको लगा कि सीए करना चाहिए, मैं जा सकती हूँ, चाहे बहुत सारा कहाँ पर आपको लगा कि सीए में जाना चाहिए, मैं कर सकती हूँ? ऐसे तो मतलब कॉमर्स लेने के बाद वैसे बहुत सारी फील्ड थी, सीएस था, सीएमए था, सीए था, लेकिन जब देखा जाए तो ऐसा लगता था जब कर ही रहे, मेहनत करना ही है तो सीए ही चूज किया जाए। पर जब 12वीं पास हुए हम, तो उस समय ऐसे मार्गदर्शन के लिए कोई नहीं था, मतलब कोई हमारी फील्ड से जुड़ा हुआ नहीं था, वो खुद ही आपस में दोस्त बनाए, उन लोगों से पता किया। फिर जब हम रायपुर गए आगे की पढ़ाई के लिए, जो सीए इंटर होता है, तब वहाँ हमारे टीचर्स से कनेक्ट हुए, तब वहाँ से हम लोग को मार्गदर्शन मिला कि आगे कैसे करना है, कैसे पढ़ना है। तो उन लोगों की भी कृपा से आज ये संभव हो पाया है कि आज मैं सीए बन पाई हूँ। कहते हैं कि हर सफलता के पीछे किसी का ना किसी का हाथ होता है, मम्मी पापा के, गुरु का, किसी का ना किसी का 100% रहता है। तो मैं चाहूंगा कि इस बड़ा जो मुकाम है, सफलता आप अर्जित किए हैं, बहुत खुशी है, इसके पीछे किसका किसका रोल है, किसका किसका आशीर्वाद है, किसका किसका सपोर्ट मिला? ऐसा लगा कि भाई कभी कभी आपको नहीं हो पाएगा, कभी ऐसा लगा कि हो सकता है? सपोर्ट किसका किसका जबरदस्त रहा इस संघर्ष में, इस लंबा जर्नी में आपका किसका किसका सपोर्ट था? सबसे पहले सपोर्ट तो मेरे मामा लोगों का था, उन्हीं के वजह से आज मैं सीए बन पाई हूँ, वरना मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ऐसा कुछ होगा जीवन में। दूसरा मेरी मम्मी, मेरी मासियाँ हमेशा, हर चाहे वो कठिन परिस्थिति हो, पास हुए नहीं हुए वो तो सेकेंडरी चीज है, पर हमेशा हौसला बढ़ाने के लिए रहे। फिर मेरी बहन, मतलब आपस में जितनी हमारा झगड़ा हो जाए, कुछ हो जाए, पर हमेशा उसका सपोर्ट रहा है। फिर मेरे घर के जितने भी परिजन हैं, सभी ने बहुत सपोर्ट किया, लेकिन सबसे पहले मेरे मामा, मेरी मम्मी और मासियां और मेरी बहन। सीए का जर्नी में ये बताइए मुस्कान जी, कि आपका सिस्टर भी एक मतलब पिछले वर्ष है ना इसमें टॉप की थी, तो कहीं उनका मार्गदर्शन मिला कि कहीं कि कैसे तैयारी करना है? हाँ, उसका है तो फुल सपोर्ट था, मतलब मैं उसी से ही पूछती थी कि कब क्या पढ़ना चाहिए, कैसे अपनी स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए आगे बढ़ने के लिए। तो हमेशा से ये होता था कि जब पढ़ाई शुरू करना है, कि आज से 6 महीने बाद पेपर है, तो हमेशा वही सबसे पहले दिमाग में आती थी कि उससे पूछती हूँ, वो मेरे को अच्छा टाइम टेबल बना के देगी कि कब क्या पढ़ना चाहिए। अब उसका सीए क्लियर हो चुका था, तो उसको इस चीज का अनुभव भी था कि वो मेरे को अच्छे से मार्गदर्शन दे पाए, तो वो हमेशा से, और जब भी ऐसे पढ़ते पढ़ते भी ऐसा दिन आता था कि हिम्मत हार जाती थी कि मतलब नहीं हो रहा भाई, 12 घंटा 14 घंटा की सीटिंग लगानी पड़ती थी, तब हमेशा वही हिम्मत देती थी कि चल आज नहीं हो पा रहा, आज मजाक मस्ती कर, कल से फिर से लगना है करके, तो उसका फुल सपोर्ट था। कहते हैं कि नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं, कश्तियां बदलने की कोई जरूरत नहीं दोस्तों, अपनी सोच को बदलो तो मंजिलें खुद ब खुद मिल जाता है। बहुत अच्छा शब्द है, लेकिन बखूबी आप में ये चीज कह सकते हैं, पूरा पर्सनालिटी और पूरा सफलता, ये शब्द बिल्कुल मैच खाता है, ठीक है, और बहुत बड़ा सफलता है ना, कहीं ना कहीं आपको खुशी भी मिल रहा होगा, है ना। ये सफलता को पाने के लिए कई रात जगे होंगे, कितना संघर्ष किए होंगे, बहुत सारे सेक्रीफाइस किए होंगे, लेकिन सफलता जब पहुंच जाते हैं उस मुकाम तक, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ सफलता का जो चिन्ह होता है, जो पहचान होता है, उसमें और लोग भी सफलता होना चाहते हैं, ऐसा क्या स्ट्रेटजी था, या सफल होने के लिए कहाँ मार्गदर्शन लिए, कैसा आपका तैयारी रहता था? क्योंकि भारतवर्ष में और भी सीए बनना चाहते हैं लोग, इच्छा है, तो मेरे वीडियो के माध्यम से, मेरे चैनल के माध्यम से अगर आपके राज या सीक्रेट है सफलता की, या कैसे मेहनत किए बताएंगे, तो क्या पता उन लोग भी सफलता हासिल कर सकते हैं आप जैसे, है ना। तो सफल होने के लिए क्या, कितना घंटा पढ़ाई करते थे, या क्या मार्गदर्शन करना चाहिए, ये सब हमारे दर्शकों को? जब पढ़ाई शुरू की मैंने सीए फाइनल के लिए, तब मतलब लोगों के बीच होता है कि सुबह एकदम 3 बजे 4 बजे उठ के पढ़ो, अच्छी पढ़ाई होती है, मैंने भी कोशिश की, लेकिन वो में से हो नहीं पा रहा था। तो मैंने सोचा कि जब पढ़ाई होगी तब बैठना है पढ़ाई के लिए, रात को पढ़ाई हो रही है रात को पढ़ूंगी, दिन में हो रही है पर बस पढ़ना है। और दूसरी बात ये थी कि ऐसा नहीं कि आज हम बैठ गए 8 घंटे 10 घंटे पढ़ दिए और अगले दिन नहीं पढ़ाई हुई, ऐसा करने से नहीं होता है, कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। भले आप दिन में 2 घंटा पढ़ो, लेकिन पढ़ो, उस चीज को रोको मत।
और तीसरी चीज है कि सेक्रीफाइस बहुत करना पड़ता है, घर में शादी हो, फंक्शन हो, दिवाली हो, त्योहार हो, सब चीज से अपने आप को दूर रख के एक कमरे में बंद होके मेहनत करने से ही सफलता प्राप्त होती है। अगर आप सोचोगे कि मैं मौज मस्ती भी कर लूं और दूसरी तरफ मेरे को एक सफलता प्राप्त हो जाए, मैं सीए बन जाऊं या जो भी आपको बनना है वो बन जाऊं, तो बहुत मुश्किल है। तो सबसे पहले तो तुमको त्याग करना ही पड़ेगा, बिना त्याग के कुछ संभव नहीं है। फिर दूसरा चीज है कि तुमको परिश्रम करना पड़ेगा। ऐसा भी होता है कि तुम्हारे साथ वाले तुमसे आगे निकल जाते हैं, क्यों भाई? क्योंकि कहीं ना कहीं तुम में कमी रही होगी, तुमने थोड़ा कम परिश्रम किया होगा। लेकिन ये है कि तुम नहीं निकल पाए, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम नहीं निकल पाओगे। तुम्हारा पिछला किया हुआ परिश्रम आगे काम आता है, जो मेरे केस में हुआ। नवंबर में मैं पास नहीं हो पाई, लेकिन उस समय जो मैं मेहनत की थी, वो मेहनत अभी मेरे को अपने मई में भी दिखाई दी कि उस समय अच्छे से पढ़ी थी, तो अभी मेरे को और सहायता मिली उस चीजों से। और तीसरी बात है कि धैर्य, जितने बार भी गिरो लेकिन उठ के खड़े होना ही पड़ेगा। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आज के समय में पढ़ाई से आसान कुछ भी नहीं। अगर आपको कहीं बिजनेस करना है, कुछ करना है, उसके लिए आपको दिमाग चाहिए, बड़ा कैपिटल चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए। लेकिन पढ़ाई ऐसी चीज है कि आप अपने घर पे रह के अपने सुविधा अनुसार आसानी से कर सकते हो। तो यही मेरी स्ट्रैटेजी रहती थी कि जब पढ़ना है पढ़ो, लेकिन पढ़ो। और ऐसा नहीं कि आज मन नहीं किया तो आज पूरा दिन नहीं पढ़ा, नहीं। कंसिस्टेंसी जरूरी है और त्याग और परिश्रम तो जरूरी है ही। चलिए, दुकान पर सफलता पाने के लिए बहुत बहुत बधाई मेरे तरफ से, पूरा टीम की तरफ से और सभी की तरफ से। एक बार फिर से मैनी मैनी हैप्पी कंग्रेचुलेशन, बधाई के पात्र हैं वाकई में। और इस मुकाम तक मिल गए आपको लक्ष्य सपना, इसके बाद आने वाला भविष्य में आपका अगला चरण, अगला स्टेप क्या रहेगा, आने वाला सफलता, मतलब आप सीए में जा करके किस तरीके से सेवा करना चाहते हैं जिसमें बहुत लोग को लाभ मिल सके, क्या आगे का लक्ष्य है? लेकिन उसके लिए क्या है कि मुझे एक्सपीरियंस चाहिए कि काम कैसे होता है, एक क्लाइंट बेस भी चाहिए, बिना क्लाइंट के क्या काम होगा। तो उसके लिए अभी मैंने सोचा है कि पहले मैं जॉब करूंगी, 2-3 साल आराम से समय देके चीजों को समझूंगी, क्या होता है क्या नहीं होता है। जब मेरे पास अच्छा ही क्लाइंट बेस हो जाएगा, नेटवर्किंग हो जाएगी और मेरे को एक्सपीरियंस भी हो जाएगा कि कैसे काम करते हैं, और जब एक्चुअल में सीए बनने के बाद जो प्रेशर होता है क्या होता है, उसके बाद कहीं जाके मैं अपने खुद के फॉर्म के बारे में सोचूंगी। कहते हैं कि हर इंसान के, हर व्यक्ति के कुछ ना कुछ शौक होता है, हॉबी होती है, आपका क्या क्या कुछ हॉबी या हॉबी क्या क्या है? हॉबी एसच मेरी ज्यादा कुछ नहीं है, मुझे किताबें पढ़ना पसंद है फ्री टाइम से, और कुछ समझ नहीं आ रहा तो घर वालों के साथ बैठ गए, गाना सुन लिए, या मेरी तो इतनी सारी बहन है उनके साथ बैठ गए, तो ये मेरी हॉबी है। चलिए, हॉबी भी हो गया, और कह सकते हैं इनका जी कह रहा है कि किताब पढ़ना, किस तरीके किताब पढ़ना ज्यादा आपको पसंद है? ज्यादा सेल्फ हेल्प मुझे मोटिवेशन, हाँ, जो खुद में ही मुझ में इम्प्रूवमेंट लाने में मेरी सहायता करे, ऐसी किताबें। बहुत ही अच्छा, हमारे लखनपुर की बेटियां, और सबसे बड़ी बात है कि इनका छोटा भाई है ना, इनका छोटा भाई यश मित्तल, वो भी इनके पीछे पीछे लगे हुए हैं कि ये भी सीए में ही जाना चाहते हैं, बात कर रहे थे। तो यश मित्तल इनका छोटा भाई है, इनका जो एक बहन है वो ऑलरेडी सीए में टॉप करके गुड़गांव दिल्ली में सेवा दे रहे हैं। इनके बाद मजे की बात है कि तीनों भाई बहन इसी सेक्टर पे जाए, दो लोग का ऑलरेडी हो चुका है, एक बचा है तो 100% इनका भी है। और इनके मामा लोग का बहुत बड़ा रोल था इनके पीछे, मामा मामी पूरा फैमिली के, और उनके मम्मी से भी हम सीधा जुड़ रहे हैं, है ना? क्या नाम है आपके, बताइए? मेरा नाम राजमान जी। जी, आपके पुत्री अभी इतना बड़ा मुकाम हासिल है, कैसे महसूस हो रहा है, कैसे? मुझे बहुत खुशी लगी आज, पहले तो मुझे डर लग रहा था, पता नहीं रिजल्ट आएगा तो क्या होगा, क्योंकि आज रात को मेरे को नींद भी नहीं आई, तब तो जब रिजल्ट देखी तो मैं बहुत खुश हुई, इतनी खुश हुई कि मैं तब वो बोल नहीं सकती, है ना, बहुत खुशी हुई। आज आज मेरी बेटी यहाँ तक अपने मामा मामी भाई बहन मौसी और आशीर्वाद दादी बाबा ताऊ ताई के आशीर्वाद पे यहाँ तक आज अपना पहुंची। और कह सकते हैं उनके मामा से हम सीधा जुड़ रहे हैं, जो कि लखनपुर से पूरा परवरिश दिए हैं, पूरा शिक्षा परवरिश, हर समस्या के साथ हर खड़े थे, है ना सर? आपका
बता दीजिए सर, इधर देखिए, ये बताइए कि आपका परिचय बता दीजिए और सफलता का श्रेय कैसे महसूस हो रहा है आपके। मैं महावीर प्रसाद, मेरी भांजी मुस्कान मित्तल को मैं अच्छे तरह से शुरू से यही चाहता था कि मेरी भांजी ऊंचे स्तर से पढ़ाई करे और इसमें हर प्रकार की सफलता मिले, यही हमारा सभी परिवार वालों का, हमारा चारों भाई बहनों का यही सोच था कि इसको आगे चल के सफलता मिले, और यही हमारी बहुत ज़्यादा खुशी का दिन है आज जो कि मेरी भांजी को सफलता प्राप्त हुई है। उनका मौसी भी हैं, बहुत खुशी के समय में मौजूद हैं, हंस रहे हैं, ऐसे लग रहा है बताइए। बहुत अच्छा लग रहा है ना, तीनों भाई बहन लोग यहाँ बहुत खुशी हो रही है। सुबह हम तो इंतजार कर रहे थे कब हमारी भांजी का रिजल्ट आएगा, कब हम लोग को खुशी की आंसू आएंगे। जी जी, तो जैसे आ गया रिजल्ट 11 बजे, जी महसूस लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगा, लग रहा था कि टॉप करेंगे। जी लग रहा था। चलिए, मुस्कान जी के उसके छोटे मामा हैं, है ना, मिस्टर अशोक अग्रवाल जी, बहुत हमेशा इस तरीके अपने भाची लोग को पूरी तरह से सपोर्ट किए हैं, बहुत खुश मिजाज के हैं, बहुत अच्छा सफलता को लेकर खुश भी हैं, तो उनसे जानेंगे कि कैसे लग रहा है। अशोक अग्रवाल लखनपुर, आज पहले भी बहुत इनके निर्देशन में बहुत अच्छा काम हुआ है, परमा जी के निर्देशन में हमारी भतीजी अनुष्का अग्रवाल और हमारी भांजी छोटी भांजी सुरभि मित्तल, और आज हमको बहुत ही अच्छा पूरे परिवार में खुशी का लहर छा गया है जब हमारी बड़ी भांजी मुस्कान मित्तल इस मुकाम में पहुंची है। आज सीए की डिग्री उसको मिली है, हम पूरे परिवार उसको बहुत ज्यादा शुभकामनाएं दे रहे हैं। हमारे बड़े भाई महावीर प्रसाद अग्रवाल, ब्रिजमोहन अग्रवाल, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, अशोक अग्रवाल, हमारी मतलब ये भाभी लोग, हमारी सारे पूरा परिवार, हमारी छोटी बड़ी बहनें और हमारी हमारा ये छोटा भांजा यश मित्तल, ये भी आज इसका भी रिजल्ट निकला ऐसे, और ये जो है ना ये शुरुआती दौर पे ये भी सफल इसको भी सफलता मिली है, इसको भी बहुत शुभकामनाएं देता हूँ मैं। पूरे परिवार, पूरी ताराचंद सरबती परिवार आज बहुत गौरवान्वित है इस मुकाम को पाकर। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत सहयोग हमेशा बस इसी तरह से हमें पूरे परिवार को मिलता रहे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही अच्छा लगा, सब लोग खुशी में हैं अभी, और आने वाला समय में और भी सफलता का मुकाम तक अग्रसर रहेंगे। इसी शुभकामनाओं के साथ हम विदा लेते हैं, आप देखते रहिए फ्रीडम भारत।